बुलेट राजा को डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया ने। सैफ अली खान और सोनाक्षी सिन्हा पहली बार एक साथ नजर आएंगे अलॉन्ग विद जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, रवि किशन, गुलशन ग्रोवर एंड विद्युत जामवाल। अब देखना यह है कि ये राजा बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा और विल बुलेट राजा बाइट द बुलेट। आइए पता लगाते हैं। A chance encounter between Raja Mishra and Rudra results in friendship between the two. Rudra के घर में गुंडों का हमला होता है और राजा उसके चाचा की जान बचाता है, लेकिन इसकी वजह से रुद्र एंड राजा एंड अप मेकिंग एनिमीज। खुद को और अपने करीबी लोगों को बचाने के लिए दे बोथ टेक टू अ लाइफ ऑफ क्राइम एंड आर नोन एज पॉलिटिकल कमांडोज। यूपी के स्टेट में राजा और रुद्र बहुत फेमस हो जाते हैं आफ्टर दे अलाइन देमसेल्व्स विद सीनियर पॉलिटिशियन राम बाबू, लेकिन उनके दुश्मनों की गिनती बढ़ती जाती है। किस तरह रुद्र और राजा अपने पावर को हैंडल करते हैं व्हाइल टेकिंग ऑन द एनिमीज फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ बुलेट राजा। सैफ अली खान नजर आएंगे टाइटल रोल में एज राजा मिश्रा। ही प्लेज द कूल एंड रिलीजियस गैंगस्टर माउथिंग कैची वन लाइनर्स। सैफ का रोल अच्छा है एंड ही गेट्स मैक्सिमम स्क्रीन टाइम। ह्यूमर हमेशा से उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है पर ही डजंट गेट टू शो दैट साइड अ लॉट, लेकिन उनके एक्शन स्टंट्स काफी अच्छे हैं। ये कहना पड़ेगा कि एक्शन अवतार में सैफ अली खान काफी जचते हैं और कूल भी हैं। जिमी शेरगिल निभा रहे हैं रुद्र का रोल। ही प्लेज सैफ्स बेस्ट फ्रेंड। जिमी की एक्टिंग काफी नेचुरल है एंड ही फिट्स द रोल वेरी वेल। उनका रोल उतना पावरफुल नहीं है जितना कि साहिब बीबी और गैंगस्टर में था, लेकिन एक सपोर्टिंग रोल में उनका काम बहुत बढ़िया है। सोनाक्षी सिन्हा प्लेज मिताली, अ सिंपल बंगाली गर्ल हू इज ऑल्सो अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। शी इज क्वाइट कंफर्टेबल इन हर कैरेक्टर एंड प्रोवाइड्स अ रोमांटिक रिलीफ इन दिस अदरवाइज एड्रेनालिन फ्यूल्ड मेल डोमिनेटेड फिल्म। रवि किशन नजर आएंगे एज सुमेर यादव। ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ शार्प शूटर। रवि का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। ही लुक्स मेनेसिंग व्हेन नीडेड एंड ऑल्सो मैनेजेस अ फ्यू लाफ्स फॉर हिज ड्रैग गेटअप। विद्युत जामवाल निभा रहे हैं पुलिस ऑफिसर अरुण सिंह का रोल। ही इज कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रेसिव येट अगेन विद हिज ऑसम एक्शन स्टंट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका रोल छोटा है। बुलेट राजा को डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया ने। ही ऑल्सो शेयर्स द राइटिंग क्रेडिट अलॉन्ग विद अमरीश मिश्रा। इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर तिग्मांशु की फिल्मों में नजर आते हैं, स्लिक एक्शन सीक्वेंसेस, एंगेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक और यादगार डायलॉग। लेकिन उनकी फिल्मों की खासियत रही है स्टोरी और स्क्रीन प्ले, जो अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में बिलो पार हैं। प्लॉट में लूप होल्स हैं और रैंडमनेस भी, एंड द कमर्शलाइजेशन इन दिस फिल्म इज वेरी फोर्स। तिग्मांशु ने हमेशा बेंचमार्क सेट किए हैं विद फिल्म्स लाइक हासिल, साई बीबी और गैंगस्टर एंड पान सिंह तोमर, बट दिस इज हिज मोस्ट एवरेज वर्क टू डेट। बुलेट राजा का म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने। डोंट टच माई बॉडी एक आइटम सॉन्ग है, वेरी वेल रेंडर्ड बाय ममता शर्मा। इस गाने के लिरिक्स रॉन्ची और सजेस्टिव हैं, एम्ड एट द फ्रंट बेंचर्स। तमंचे पे डिस्को एक कूल पार्टी सॉन्ग है जिसे कंपोज किया है आरडीबी ने। इसके फैंटास्टिक वोकल्स दिए हैं आरडीबी, निंदी कौर और रफ्तार ने। गाना पेसी है और कोरस कैची है। सामने है सवेरा, एक मेलोडियस रोमांटिक गाना है ब्यूटिफुली सॉन्ग बाय श्रेया घोषल। वाजिद ने उन्हें कंपनी दी है और श्रेयस वोकल्स एंड द म्यूजिकल अरेंजमेंट्स आर द यूएसपी ऑफ दिस सॉन्ग। टाइटल सॉन्ग को बहुत मजे लेकर गाया है वाजिद ने विद गुड सपोर्ट फ्रॉम कीर्ति सागटिया। इसका म्यूजिक कड़क और फुट टैपिंग है। ओवरऑल बुलेट राजा का म्यूजिक अच्छा है। बुलेट राजा एक एक्शन फिल्म है एंड एक्शन इज क्लियरली द यूएसपी। फिल्म काफी पेसी है एंड डजंट ड्रैग एट ऑल। फिल्म की कहानी बहुत बेसिक है, नो हिंट ऑफ इनोवेशन हियर। स्टोरी में काफी सारे लूप होल्स हैं एंड सम सब प्लॉट्स वर अवॉइडेबल। एक्शन सीन्स इंपैक्टफुल और बैकग्राउंड म्यूजिक अपीलिंग है। सैफ, जिमी एंड विद्युत हैव गिवन गुड परफॉर्मेंसेस बट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियर। स्टोरी और स्क्रीन प्ले की खामियां साफ नजर आती हैं एंड वाइप ऑफ द शीन ऑफ दिस फिल्म। क्लाइमैक्स भी अब्रप्ट और प्रेडिक्टेबल है। मेरे हिसाब से इस बुलेट का निशाना चूक गया है एंड यू माइट बी बेटर ऑफ डॉजिंग इट। बुलेट राजा को मैं देता हूँ 2.5 स्टार्स।